हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फाइव टाइम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज का पहला प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पर है। मारवाशम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ए ब्रिटेन, बी ब्राज़ील, सी बेल्जियम, डी यूएसए। बताइए दोस्तों, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का, उत्तर दीजिए। और इसका सही उत्तर है सी बेल्जियम। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। भारत मैनामिति मैत्री सैन्य अभ्यास किस देश के साथ करता है? ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी नेपाल, डी मालदीव। बताइए दोस्तों, किसके साथ करता भारत सैन्य अभ्यास मैनामिति? ऑप्शन आपके सामने है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ करता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कंप्यूटर स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन कार्ड कहाँ से लॉन्च किया था? ए वेस्ट बंगाल, बी गुजरात, सी अरुणाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। बताइए दोस्तों, कहाँ शुरू किया था? काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न का सही आंसर है बी गुजरात। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। मयूरगुड का संबंध किस राज्य से है? ए केरल, बी उड़ीसा, सी असम, डी तमिलनाडु। बताइए दोस्तों, मयूरगुड का संबंध, काउंटडाउन जो है शुरू हो चुका है, कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए केरल। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का 124वां सदस्य कौन सा देश बना था? ए इंडोनेशिया, बी मलेशिया, सी भूटान, डी नेपाल। बताइए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का 124वां सदस्य। ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उधर देखिए। उसका सही उत्तर है बी मलेशिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। आंध्र प्रदेश में कुल कितने एयरपोर्ट हैं? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। उत्तर दीजिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश में कुल कितने एयरपोर्ट हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 7, आंध्र प्रदेश में 7 एयरपोर्ट है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। इंग्लैंड में कारखाने सबसे पहले कब खुले? ए 1530, बी 1630, सी 1730, डी 1830। बताइए दोस्तों, इंग्लैंड में कारखाने, ऑप्शन आपके सामने हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 1730, इंग्लैंड में कारखाने खुले 1730 में। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी छोर पर पतन है? ए तुतिकोरन, बी न्यू मैंगलोर, सी हुगली, डी मार्मोगोवा। बताइए दोस्तों, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उत्तर दीजिए, कमेंट सेक्शन में। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका सही उत्तर होगा ए तुतिकोरन। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ए 1972, बी 1945, सी 1965, डी 1953। बताइए दोस्तों, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण भारत में, ऑप्शन आपके सामने है, इसका उत्तर दीजिए, क्या उत्तर होगा, और इसका सही उत्तर है डी 1953।
53। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न ही रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। नेपाल में लोकप्रिय आंदोलन कब हुआ था? ए अप्रैल 2004, बी अप्रैल 2006, सी मार्च 2006 या डी मार्च 2005। बताइए दोस्तों, नेपाल में लोकप्रिय आंदोलन काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी अप्रैल 2006। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। भारत में वैश्वीकरण की नीति कब अपनाई गई थी? ए 1944, बी 1971, सी 1991 या फिर डी 1977। वैश्वीकरण की नीति बताइए दोस्तों कब अपनाई थी भारत ने। ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर दीजिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी 1991। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनमें से किसको वाइट गोल्ड कहते हैं? ए निकेल, बी रोडियम, सी प्लेटिनम, डी मैग्नीशियम। बताइए दोस्तों वाइट गोल्ड, ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आखिरी, और वीडियो को शेयर करें। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी प्लेटिनम। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।